एक्टिंग है इरफान खान का और पारित का अमेजिंग है. इट्स अ ट्रैवल लव स्टोरी जो पहले अभी हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है थ्रू इंडिया. तो ऋषिकेश से लेके दिल्ली से लेके फिर जयपुर और फिर गैंगटॉक. अमेजिंग पिक्चराइजेशन और एक्टिंग और बहुत स्मूथ जाता है पूरा स्क्रिप्ट स्मूथ जाता है. पिछले जो हम लोग के जो प्यार है उसको लेके पूरा कैसे हम लोग वी स्टिल कीप इट इन अ हार्ट जो दिल में अभी तक रखते हैं उसके बारे में भी है ये मूवी में. और इट्स एन अमेजिंग मूवी. केमिस्ट्री जो एक्टर और एक्ट्रेस इरफान खान और पार्वती जो अमेजिंग सिंपली अमेजिंग जैसे ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है बॉलीवुड सिनेमा में. सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं. सॉन्ग्स तो कम ही है दो तीन सॉन्ग्स है जो और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है. केबल कार का जो एंड में सीन होता है इतना ब्यूटीफुल है केबल कार का. और बिगनिंग में जो सीन है कि दे आर गोइंग इन द कार अलॉन्ग द पहाड़ों के आप जा रहे कार में तो बहुत ही अच्छा लगता है. पिक्चराइजेशन पूरा फिल्म का बहुत ही अच्छा है. मैसेज तो यही है कि प्यार जो प्यार इट्स अ लव स्टोरी पूरा ट्रैवल लव स्टोरी है. मैसेज तो वही है कि इन्जॉय इट लव स्टोरी है एंटरटेन हो जाओ. और ये तो एक्चुअली फैमिली मूवी है इट्स नॉट जस्ट फॉर कपल्स सबको पसंद आएगा. 5 out of 5. दिस मूवी साथ जीने मरने की कहानी नहीं है जो लाइक किस तरह की थी इतनी पाल के रखी मूवी. इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट मल्टीपल इमोशंस एंड एवरीबडी विल एंजॉय द मूवी बिकॉज इट्स फन. हाउ इज पार्वती? पार्वती इज आल्सो शी इज टू गुड. बोथ ऑफ देम आर टू गुड. आई हैव लव्ड इरफान खान्स एक्टिंग इन द मूवी. आई थिंक आई विल गो एंड वॉच द मूवी अगेन. आउट ऑफ 5 स्टार 5. चला जा. कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? करीब करीब सिंगल. मुझे मूवी बहुत ही खूबसूरत लगी. उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही अच्छी थी. रोमांस था कॉमेडी थी ड्रामा था जो हर एक मूवी पैकेज होता है वो पूरी मूवी के अंदर था. दोनों की ऐसा लगा था कि दोनों एक्टिंग ही नहीं कर रहे रियल में दोनों कपल से ऐसा लग रहा था. इतनी अच्छी एक्टिंग थी दोनों की. कोई मैसेज दे रही मूवी? मैसेज ये दे रही है कि हमें जो लाइफ में करना चाहिए वो हमें सोच समझ के करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए फ्यूचर का देखो हमेशा प्रेजेंट में जियो. 4.5. वेलकम. तो कैसी लगी आपको मूवी? वेल करीब करीब सिंगल तो बहुत अच्छी मूवी. मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. एक्सपेक्टेशन जैसे इरफान खान से था तो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे. हाउ वाज द केमिस्ट्री बिटवीन पार्वती एंड इरफान खान? केमिस्ट्री तो वेल काफ़ी अच्छी थी. तो आप मैं भी यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग भी मूवी देखिए. और ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं फैमिली भी मूवी देख सकती है और इससे मैसेज भी काफ़ी अच्छा है तो फिर मूवी देखने लायक तो है. मैं तो बोल रही हूँ मूवी कितनी बांध के रखी है एंड तक वही फ्लैट जोन था कितनी बांध के रखी है. मूवी में थोड़ा कॉमेडी रोमांस भी है तो बीच बीच में मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे मूवी में. आप मूवी में बिल्कुल भी एक मिनट के लिए बोर नहीं होगे तो मूवी अच्छी है वैसे तो. ओके तो गाने की बात करें तो गाने किस तरह के गाने कितने पैपी सॉन्ग थे या कुछ ऐसे नज़र आए हैं? गाने तो काफ़ी अच्छे हैं रोमांटिक है और ऑडियंस को रोमांटिक सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है तो फिर अच्छे है गाने भी अच्छे ही है. कितने स्टार्स देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5, 4. थैंक यू. काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड मेरे को मतलब फर्स्ट हाफ के बाद इट ग्रू बेटर. कैरेक्टर डेवलपमेंट केम इन एंड ऑब्वियसली इरफान खान आई मीन ही हिज रोल विद पार्वती इट्स की सीम टू डेवलप मोर एंड मोर. आई मीन द सॉन्ग्स वर नॉट दैट राइट बट इट वॉज अ ब्रिलियंट मूवी टू वॉच. आई मीन आई वुड वॉच इट अगेन वंस मोर आई वुड वॉच इट. मैसेज टू इरफान खान more movies like this more movies mere ko to itna koi message nahi hai but it was something like I would watch again and again. I say it's I mean I like the whole movie in general. There's not one scene but it was a very fluent chemistry. It was not like bahut ye hai ki एब्रप्ट लग रहा है कि नई एक्ट्रेस है और वो सुपरस्टार है ऐसा नहीं लग रहा था. इट वाज प्रीटी चिल नॉट दैट ओके इट्स जस्ट ओके. आई मीन इट दे आर नीडेड इन अ मूवी. बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग्स नीडेड है तो उस हिसाब से आई वाज कूल विद इट. आउट ऑफ 5 कितने से देंगे? आई वुड गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स.